स्वागत कर सकते हैं ये वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं खुसरोपुर स्टेशन को। जानेंगे यह स्टेशन कहाँ स्थित है और यहाँ यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन सी ट्रेनें रुकती हैं। ये देखिए खुसरोपुर स्टेशन के बाहर का व्यू, और चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं। यही प्रवेश द्वार है और यहाँ पर गंदगी बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। इस स्टेशन पर ये एक अनारक्षित टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी दिशा के लिए आपको जनरल टिकट मिलेगा, अनारक्षित टिकट काउंटर। यहाँ पर रिजर्वेशन टिकट काउंटर नहीं है, ये देखिए। और चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक पूछताछ काउंटर है जिससे आप ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। सबसे पहले इस स्टेशन की लोकेशन की बात करें तो यह बिहार राज्य के पटना शहर के पटना जंक्शन से 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन की कोड की बात करें तो इस स्टेशन का कोड है KOO और इस स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म हैं और 4 रेलवे ट्रैक हैं। और यहां पर यात्रियों की सुविधा की बात करें तो यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक वेटिंग हॉल है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वेटिंग हॉल है, आप देख सकते हैं वेटिंग हॉल। और दोनों प्लेटफॉर्मों पर कैंटीन मिल जाएगी, चाय की दुकानें मिल जाएगी, बुक स्टॉल मिल जाएगी। दोनों प्लेटफॉर्मों पर पानी पीने के लिए नल की व्यवस्था की गई है और इस स्टेशन पर बाथरूम की भी व्यवस्था है। एक फुट ओवर ब्रिज है इस स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 के लिए जाता है। और चलिए उसी फुट ओवर ब्रिज से हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर। खुसरोपुर स्टेशन के बगल में ही खुसरोपुर मार्केट स्थित है और खुसरोपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में ही सब्जी मंडी लगती है जो बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ से बाहरी व्यापारी आकर सब्जी ले जाते हैं किसान से। अभी आपको इस फुट ओवर ब्रिज से खुसरोपुर स्टेशन का ऊपरी व्यू दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं लोगों की लापरवाही, ट्रैक पर किस टाइप से ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर रहे। यह ट्रेन कोसी एक्सप्रेस है जो पूर्णिया से हटिया को जाती है। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर क्या क्या यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं। आप देख भी सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यहाँ पर एक शेड लगा हुआ है, बड़ा एक शेड दिख रहा, और आगे चलेंगे तो दिखाएंगे बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्टेशन पर डेली हजारों पैसेंजर यात्रा करते हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू बहुत ही सुंदर व्यू है। और आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 बड़े शेड हैं, बाकी कुछ छोटे छोटे शेड भी लगे हुए हैं। ये देखिए एक बड़ा शेड यहाँ पर भी है। और इस स्टेशन के नियर स्टेशन की बात करें तो पूरब में करौटा स्टेशन है तो वहीं पश्चिम में हरदासबिगा स्टेशन है। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।